हेलो दोस्तों, मैं हूँ सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर बाइक गुरु। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, अगर कोई भी बाइक आपके शॉप पे आते हैं, अगर बाइक का स्टार्ट गिर जाता है ऑटोमेटिक और स्टार्ट ठीक से नहीं लेता है, तो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, यानी कि स्टार्ट रिलेटिव, यानी बाइक अगर चलते चलते ऑटोमेटिक क्लच जब हम लोग दबाते हैं, छुप करके स्टार्ट गिर जाता है, उसी दौरान हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आरपीएम कम होता है और ज़्यादा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का सवाल है, हर कोई बाइक में हम लोग को 1000 RPM पे रखना है, तभी इंजन हम लोग का परफॉर्मेंस बेहतर देगा और इंजन हम लोग का ओवरहीट नहीं होगा। तो सवाल है, कभी कभी हम लोग 1200 कर देते हैं, 1300 कर देते हैं, उसी दौरान क्लच खींचते हैं, तब भी हम लोग का बाइक का स्टार्ट गिरता है, ये सब क्यों गिरता है, इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा। तो फिर वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ता है क्या, बाइक का जो रॉकर होता है, रॉकर हम लोगों को देखना होता है। क्यों? बाइक में अगर कंप्रेसर हम लोगों का लो हो जाता है तो ऐसा रीजन होता है। सबसे पहला स्टेप आप लोग देखिए, बाइक की जो रॉकर का जो कैप है और पिस्टन को टॉप में करके देखिए, पिस्टन न्यूट्रल पोजिशन में, यानी कि एक बार अगर टॉप करें तो रॉकर हम लोगों का, जैसे कि अगर न्यूट्रल पोजिशन में ना आए तो दोबारा पल्टी मार के हिला के देखिए, अगर दोनों रॉकर हिल रहा है तो फिर एक पल्टी मारिए। तो वही हम लोग प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे, रॉकर किस तरह से रखिए वो भी आप लोगों को बताऊंगा। चलो रॉकर का कैप खोलो। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों का यहाँ टी दिखाई दे रहा है और इसी दौरान पिस्टन टॉप पर भी है, लेकिन यहाँ यहाँ दिखाइए, देखिए अगर हम घुमा रहे हैं तो रॉकर अगर हिल रहा है तो यहाँ लाइए, इसको हमको फिर एक पल्टी मारना पड़ेगा। पिस्टन हम लोग को टॉप पर है, अभी भी टी दिखाई दे रहा है, एकदम टी दिखाई दे रहा है। अब हम हिला रहा है तो नहीं हिल रहा है, अब हम लोग का पोजिशन सही हुआ है, अब हम लोग देखेंगे रॉकर का कंडीशन क्या है। तो फ्रेंड्स, रॉकर का कंडीशन बहुत ही टाइट है, इसीलिए बाइक हम लोगों का ऐसा दिक्कत हो रहा है, इसीलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए रॉकर एडजस्ट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे वीडियो के जरिए से रॉकर हम लोग कितना mm रखे। रॉकर हम लोग रखेंगे 0.8 mm। बस इशू को भी कर लेता हूँ। यानी कि दोनों रॉकर हम लोग का ढील रहा है। अब हम लोग कंप्रेसर इसका चेकअप करेंगे, जो कंप्रेसर हम लोग का सही आया है कि नहीं। तो यहाँ उंगली दबाएंगे और किक का उपयोग करेंगे, कंप्रेसर सही है बट हम लोग थोड़ा हेड के अंदर लुब्रिकेंट करेंगे। इंजन ऑयल दीजिए, हाँ देखिए थोड़ा हम लोग फ्रेश इंजन ऑयल डालेंगे इसके अंदर, सुराख के अंदर, ताकि अगर गाइड हम लोग का जाम करे तो वाल्व हम लोग का सही से खेलेगा नहीं, तो हम लोग थोड़ा लुब्रिकेंट करेंगे। अब देने के बाद थोड़ा हम लोग किक का उपयोग करेंगे और यहाँ थोड़ा दबा के रखेंगे हल्का करके। अब हम लोग सक्शन करेंगे थोड़ा, यानी कि इंजन ऑयल को निकालेंगे जितना हमने डाला है और पूरा लुब्रिकेंट हो जाएगा। चलो रॉकर कैचअप लगाओ। स्टार्ट करने के बाद थोड़ा इंजन ऑयल मैंने जो भरा है, यहाँ ऑयल स्मोक देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन घबराना नहीं, दीजिए अब बाइक हम लोग का सही है। अब हम लोग यानी कि आरपीएम सेट करेंगे, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो के जरिए से। तो टैंकी लगा दीजिए सब कंप्लीट करके, हम लोग सिर्फ हम ट्यूनिंग चार्जेस कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका माइलेज सेट करेंगे, ट्यूनिंग चार्जेस करेंगे, कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए ना, तो यहाँ सबसे पहले आप लोग देखिए गाइस, आरपीएम देता हूँ, आरपीएम हम लोग 2000 के ऊपर है, तो हम लोग को लाना है एक जो है 1000 पे हम लोग को लाना है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पतले स्क्रू ड्राइवर दीजिए, अभी हम लोग यार स्क्रू पे जो नॉट है इसको हम लोग थोड़ा टाइट करा हुआ है, इसको लूज करेंगे,
और यहाँ हम लोग देखेंगे सबसे बेहतर आरपीएम अगर जहाँ पर आएगा उसी जगह हम लोग रखेंगे। तो फ्रेंड्स आरपीएम हम लोग हाई हो चुकी है, अब यहाँ दिखाइए इसको हम लोग थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते करके लो करेंगे और 1000 आरपीएम पे हम लोग रखेंगे, सेट करेंगे, तभी माइलेज परफेक्ट आएगा और इंजन भी ओवरहीट नहीं होगा। यहाँ देखिए एक्सीलेटर देखिए आप लोगों को छोड़ रहा है जो संग संग कम रहा है कि नहीं, यानी कि संग संग कम रहा है, देखिए एकदम संग संग कम गया है आरपीएम, यानी कि हम लोग का माइलेज भी सेट हो गया है और ट्रेनिंग भी परफेक्ट हो चुकी है और बाइक जो है अभी स्टार्ट पर है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है जो बाइक स्टार्ट पर है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी बाइक स्टार्ट पर है। चलो बंद करते हैं, कुछ डिटेल्स आप लोगों को शेयर करता हूँ। आप लोगों ने क्या देखा, सिर्फ टीवीएस अपाची एक्टिवा बाइक नहीं है, टू व्हीलर जितना भी बाइक होता है, स्कूटी होता है, सब में दिया जाता है रॉकर। रॉकर चलते चलते ऑटोमेटिक अगर टाइट हो जाता है तो समझिए वाल्व हम लोग का कट जाता है, वाल्व कटने से हम लोग का रॉकर टाइट हो जाता है और रॉकर खराब होने से हम लोग का रॉकर ढीला होता है। तो आप लोगों को समझना है इंजन का साउंड अगर सही रहता है और बाइक में स्टार्ट हम लोग का गिरता है तो रॉकर टाइट हो जाता है, उसी दौरान बाइक में स्टार्ट गिरना चालू होता है। अब हम लोग मैकेनिक भाई क्या करते हैं, आरपीएम को हम लोग बढ़ा देते हैं, अब 1200, 1300, 1400, 1500 करने के बाद भी कभी क्या होता है क्लच खींचने से गाड़ी बंद हो जाता है, तो उसी दौरान आप लोग रॉकर एडजस्ट करिए, रॉकर को क्लियरिंग रखिए, 0 पॉइंट से लेके 0.4 से लेके 0.8 तक आप लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ज़्यादा अगर ढीला कर देंगे तो थोड़ा आवाज़ आ सकता है और ज़्यादा टाइट करने से बहुत ही दिक्कत हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा ढीला रखने का कोशिश करो जिसमें साउंड ना क्रिएट हो और बाइक सही से चले। तो इस वीडियो में आप लोग को तरीका बताया और ट्यूनिंग करने का तरीका बताया। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।